क्लास 7। हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 15A स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक पिक्टोग्राम बनाकर दिया गया हुआ था और हमने उससे क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको एक रेड डाटा दिया गया है, ना ही आपको कोई भी उसमें पिक्टोग्राम बना के दिया गया है, ना ही कोई बार ग्राफ बना के दिया गया है, तो आपने पिक्टोग्राम खुद बनाना है इसमें। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, द टेबल शोज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले अ वॉलीबॉल बास्केटबॉल एंड टेनिस। ठीक है, अब स्पोर्ट्स हैं वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की एंड टेनिस की। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 स्टूडेंट जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 60 स्टूडेंट जो हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 50 स्टूडेंट जो है वो टेनिस खेल रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द पिक्टोग्राम। आपने देख आपके बुक पर सिर्फ एक एक किस तरह का सर्कल बना हुआ है, एक ये वाला एक सर्कल बना हुआ, बाकी आप लोगों ने खुद बनाना है। नीचे आपको कहा गया है ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। अब देखें वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 60, और 50 स्टूडेंट क्या खेल रहे हैं, टेनिस। अब एक बॉल जो है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वॉलीबॉल में हमारे पास कितने हम बॉल्स बनाएंगे, 4 बॉल्स बनाएंगे, यानी कि देखें 10 ये 10 20 30 40 40 स्टूडेंट्स बन गए ना। इसी तरह 60 बास्केटबॉल है तो हम क्या करेंगे, 6 बॉल्स बनाएंगे, 10 10 10 20, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 50 टेनिस में हम 50 बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 बॉल रिप्रेजेंट कर रही है 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पिक्टोग्राम कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, इस तरह इसमें अब देखें पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था किया था उसमें इस तरह का आपको बनाकर दिया गया था एक पिक्टोग्राम। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कि एक डाटा आपको दे दिया गया और आपने अपना पिक्टोग्राम खुद बनाना है। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया था, 3 बॉल्स हर की पहली फर्स्ट बॉल ड्रॉ की हुई थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बॉल ड्रा ना की गई हो, सिर्फ आपसे कहा गया हो कि आप इसका पिक्टोग्राम बनाएं, तो आपने खुद इसी तरह साइड पर लिख लिया जो आपकी गेम्स हैं और आपने उससे रिलेटेड उतनी भी बॉल्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस। उन्होंने कहा कि आपने रेशियो बतानी है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस। अब कितने स्टूडेंट जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 40 स्टूडेंट, और कितने स्टूडेंट जो है वो टेनिस खेल रहे हैं, 50 स्टूडेंट। इनकी रेशियो लिख दी हमने, अगर आप इनको डिवाइड करते हैं 40 डिवाइडेड, रेशियो का मतलब ये होता है ना, आप डिवाइड कर रहे हैं तो 0-0 से कैंसिल, तो 4:5 बन गया, तो रेशियो बिटवीन द वॉलीबॉल एंड द टेनिस क्या है, बस 4:5। अब इसी का पार्ट 3 है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ दैट हु प्ले बास्केटबॉल। अब उन्होंने कहा है कि आपने परसेंटेज बतानी है टेनिस एंड बास्केटबॉल की। अब टेनिस कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं, 60। उन्होंने कहा आपने परसेंटेज बतानी है टेनिस टू बास्केटबॉल बास्केटबॉल। ठीक है, तो जिसकी हमने परसेंटेज बतानी होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, तो टेनिस टू बास्केटबॉल है तो हम टेनिस बाय जितनी टेनिस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लिख देंगे, और जितनी हम बस बास्केटबॉल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम वो लिख देंगे, 50 डिवाइड बाई 60। और परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी होता है, हम साथ 100 दिखा देंगे। अगर हमें कहा गया होता है परसेंटेज फाइंड करें टेनिस टू बास्केटबॉल, तो हम क्या करते हैं 60 डिवाइडेड बाय, अगर हमें कहा गया था बास्केटबॉल टू टेनिस परसेंटेज फाइंड करें तो हम 60 डिवाइडेड बाई 50 करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, टेनिस टू बास्केटबॉल आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो हम टेनिस की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और बास्केटबॉल के नंबर ऑफ स्टूडेंट हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज फाइंड कर लिया, अगर सॉल्व किया इनके 0-0 से कैंसिल हो गया, 5/6 आ गया, 500 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, देन इनको डिवाइड किया तो हम बस 250 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, और ये हम एक फॉर्म में हमने परसेंटेज ऐड कर दी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बार ग्राफ से रिलेटेड है। द टेबल शोज अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यूज़ पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड इन ईच ईयर 2008-2012। यानी कि उन्होंने कहा है कि आपको ये एक टेबल दिया गया है आपके क्वेश्चन में, 2008 से 2012 की जो ईयर्स की जो नंबर ऑफ कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं तो उनका एक टेबल भी दिया गया, और आपको कहा गया है कि आपने इसका जो है बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब बार ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि ये जितने भी हम ये बार्स बनाते हैं इनकी सबकी विड्थ जो है वो सेम होती है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, जितने ईयर्स हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 तो हम एक्स एक्सिस में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने, अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, देखो मैंने 50-50 के गैप से किया। एक बात याद रखनी है, जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं सिमेट्रिक होना चाहिए हमारा ग्राफ। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर आपने 0 से 50 यहाँ पर 50 का डिस्टेंस रखा हुआ है ना, तो हर में 50 के, ये नहीं करना यहाँ पे 50 का कर दिया है, नेक्स्ट आप 2 यहाँ पर लिख दे 200, नेक्स्ट लिख दे 250, फिर 300, ऐसे नहीं करना। आपने सिमेट्री रखनी है। आप देखें यहाँ से मैंने 50 का गैप किया है ना, आगे भी 50 का गैप है, ठीक है, नेक्स्ट भी 50 का गैप है, इस तरह हमने सिमेट्री इसमें बनानी होती है, ठीक है। ये ग्राफ का रूल है कि हम ग्राफ में सिमेट्री रखते होते हैं। इसी तरह मैंने फिर, क्योंकि अगर अब मैं अगर इस तरह ड्रॉ करती 1, 2, 3, 4, 5 लिखना शुरू करती तो वो तो इतने 400 तक हमने ग्राफ लेकर जाना था, क्योंकि देखा आपके क्वेश्चन में जो है 200 हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 315 पर आ रही है। तो जब आपके पास कोई बहुत सारी बड़ी वैल्यू आती है तो आप, हम क्या कर लेते हैं, अपने इसका गैप ज़्यादा कर देते होते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट वैल्यू जो हमें उन्होंने 2008 का अगर हम बनाते हैं तो 250 तक जाना है, देखें 2008 का 250 तक, तो हमने वहाँ पर एक ये बॉक्स बना दिया ना, इसी तरह रेक्टेंगल सा बना दिया, ठीक है, एक बार बना दिया हम, इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास बार है, ठीक है। देन 2009 में जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज थी वो कितनी थी, 275। अब ये देखें 250 है, अब इसके दरमियान में यहीं पर कहीं होगा ना 275, तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पर 275 का बना दिया, ठीक है, 2009 में। देन 2010 में जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं वो कितनी है, 290, तो 290 तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से बना लिया, सही है। उसके बाद आपके पास है 315 का नंबर ऑफ कॉपीज इन 2011 है, तो 350 से, तो यहाँ पर थोड़ा होगा 300 और 315, यहाँ पर कुछ ग्राफ बनना था, मेरा थोड़ा ऊपर बन गया ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर बनाने, जब आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे ना तो ये एग्जैक्ट आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 2012, उसमें 280, तो 280 समथिंग इधर आ जाएगा हमारे पास, 50 का तो 80 यहाँ पर हमारे पास तकरीबन इसके नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने ग्राफ बना लिए, इस साइड पे हम जो इस साइड पे हमने कॉपीज को रिप्रेजेंट किया, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ कॉपीज इन 1000, जिस तरह आपको उन्होंने बताया हुआ है डाटा में, ये हम बस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा ग्राफ किस चीज़ का है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड, यानी कि न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हाउसेज में, तो उनका एक बार ग्राफ हमने बना लिया। ये आप लोगों ने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, इसी तरह कॉपीज पर नहीं ड्रॉ करना, ग्राफ पेपर के ऊपर आपने एग्जैक्टली यू बनाना है। 50-50 के डिस्टेंस से आपने रखना है, इक्वली डिस्टेंस रखना है। अगर आप लाइक अगर आप 30 का डिस्टेंस रखना चाहते हो या आप 100 का डिस्टेंस रखना चाहते हो तो उसे भी आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप 100 के डिस्टेंस से बना रहे हो तो 100, 200, 300, 400 इस तरह करना है, ठीक है, जैसे मैंने 50 के डिस्टेंस से किया। तो ग्राफ में सिमेट्री आपकी लाजमी होनी चाहिए। तो ये था हमारा बार ग्राफ, और इसको इन्हीं बार्स को हम कहते हैं बार, और ग्राफ पर बनाते हैं जैसे जैसे हम इसे कहते हैं ग्राफ, बार ग्राफ। तो ये सिंपली सा आपका एक क्वेश्चन था। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ क्लास।